अगर आपको भी हमारे नए वीडियोस देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं तो हमारे वीडियोस के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटे बटन को जरूर दबा दें। चालान चालान और चालान, बस हर ओर चालान की ही चर्चा है। गाड़ी चलाने वाले अब चालान से डरने लगे हैं। कहीं 23,000 के चालान कटे, कहीं 49,000 के चालान कटे, तो ये लीजिए एक नया चालान कट गया। इस चालान को देखकर तो 23,000 और 49,000 वाले शुक्र मना रहे होंगे, खुद को खुश नसीब समझ रहे हैं। इस बार चालान कटा है 1,41,400 रुपए का। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 1,41,700 रुपए। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो पर्ची भी देखिए। राजस्थान के बीकानेर के रहने वाले शख्स का ट्रक दिल्ली आया। ट्रक में क्षमता से ज्यादा सामान भरा गया, मतलब कि ओवरलोडिंग। बस कट गया चालान, 1,41,700 रुपए का जुर्माना ठोका गया। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में मालिक की ओर से 1,41,700 रुपए का जुर्माना भरा गया और ट्रक को छुड़ाया गया। ट्रैफिक नियमों को न मानने वालों के होश उड़े हुए हैं। एक गलती हुई नहीं कि मोबाइल पर मैसेज आने में देरी नहीं हो रही। अड़तीस साल की महिला और 20वीं बार प्रेग्नेंट, जी हाँ, सुनकर हैरान रह गए होंगे, लेकिन ये सच है। यह अनोखा मामला सामने आया है महाराष्ट्र के बीड में, जहां झुग्गी में रहने वाली एक महिला फिर एक बार नई संतान को जन्म देने जा रही है, जिसके लिए डॉक्टर्स सुरक्षित डिलीवरी की तैयारी कर रहे हैं। सेकंड ओपिनियन के वास्ते उनको आज हमने जिला रोगनालय में बुलाया है। हमारे यहाँ के स्त्री रोग तज्ञ उनकी जांच कर रहे हैं और हम उनको काउंसलिंग भी ऐसी कर रहे हैं कि उनकी डिलीवरी जो कि हाई रिस्क है वो डिलीवरी जिला रोगनालय में हो, और चाहे तो वो 15 दिन 3 हफ्ते पहले आके जिला रोगनालय में शरीक हो, ताकि इमरजेंसी में कुछ उसकी जो डिलीवरी करना है वो सेफ डिलीवरी करना हमारे लिए चुनौती भरी है, तो हिसाब से हमारे स्त्री रोग तज्ञ को मैंने वैसे निर्देश दिए। खानाबदोश गोपाल समुदाय से आने वाली महिला लंकाबाई खराट के अभी 11 बच्चे हैं। 5 बच्चे पैदा होने के कुछ समय बाद मर गए थे, जबकि 4 का गर्भपात बताया जा रहा है। गोपाल समुदाय के लोग मजदूरी और भीख मांगकर अपना गुजर बसर करते हैं। इस महिला का पति भी मजदूरी से इतने बड़े परिवार का पेट पालता है। बीड का ये इलाका राज्य की महिला बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे के अंडर आता है। इलाके की इस घटना की जानकारी मिलने के बाद सब हैरान है। इंजन आपको पहुंचना था न्यूयॉर्क, लेकिन भाई साहब पहुंच गए जेल। जी हाँ, न्यूयॉर्क की यात्रा पर निकले थे लेकिन जेल यात्रा पर जाना पड़ा। जिंदगी को बदलने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं ताकि जिंदगी बन जाए, लेकिन अहमदाबाद के रहने वाले इस शख्स ने तो गजब ही कर दिया। उम्र 32 साल है लेकिन बन गए बुजुर्ग। बुजुर्ग बनने के लिए इनके पास सिर्फ एक वजह है, वो है विदेश जाना, जिंदगी को बदलना। दरअसल इस शख्स की उम्र है 32 साल लेकिन विदेश जाने के लिए 81 साल का बन गया। वीजा नहीं मिला तो उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चला और निकाल लिया जुगाड़। सफेद दाढ़ी लगा ली, बाल सफेद करा लिए, व्हीलचेयर पर बैठ गए और चश्मा भी लगा लिया ताकि किसी को शक ना हो। अपने आप को 81 साल के बुजुर्ग की वेशभूषा में ले आए और न्यूयॉर्क जाने की कोशिश करने लगे। वहाँ जाके मजदूरी करता, 5 रुपया कमाता सर, इसलिए जाना चाहते थे। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं। तो इससे पहले भी आप जा चुके हो विदेश में? नहीं, वो सिंगापुर गया था घूमने के लिए ही गया था उसके हिसाब से। तो अपने गेटअप किसने आपको सजेस्ट किया कि गेटअप ये वाला रखो? वो एजन ने बना सजेस्ट किया था। क्या नाम था उस एजेंट का? वो यार दिल्ली का है, सिंधु। तो इससे पहले भी वो इस तरह से भेज चुका था लोगों? नहीं, पहले वो तो मुझे नहीं पता है सर, लेकिन मेरे को पहले ऐसा काम नहीं किया है। तो ये आपका कुर्ता और ये दाढ़ी, ये सब ब्लैक है लेकिन व्हाइट उसने बनाई है? हाँ सर, उसने बनाई थी। ये जनाब न्यूयॉर्क चले भी जाते लेकिन इन पर CISF वालों की नजर पड़ गई। व्हीलचेयर पर आराम से बैठे थे लेकिन पकड़े गए। जयेश पटेल नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र 32 साल की थी, वो 81 साल का एक बुजुर्ग बनकर अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा था। जब जयेश पटेल उर्फ अमरीक ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए अप्रोच किया, वहां पर ये व्हीलचेयर पर जा रहा था।
व्हीलचेयर पर जब इसको फ्रिस्किंग के लिए रोका गया और कहा गया कि आप खड़े होकर फ्रिस्किंग कराओ, तो एकदम ये खड़ा हो गया। जैसे ही ये खड़ा हुआ तो इसके हाथ की स्किन और हाथों के जो बाल जो काले रंग के थे वो एक जवान आदमी के लग रहे थे। तो सिक्योरिटी स्टाफ को थोड़ा शक हुआ तो उन्होंने गौर से देखा तो इसकी जो दाढ़ी के बाल जो बिल्कुल सफ़ेद थे और सर के बाल भी जो बिल्कुल सफ़ेद थे, उसके रूट्स जो थे वो काले थे। उनको और ज़्यादा शक हुआ, उन्होंने इसको साइड में ले जाकर फिर एक थोड़ा दोबारा पूछताछ की तो इसने रिवील किया कि इसका असली नाम जयेश पटेल है और इसकी उम्र 32 साल की है। इसको ये अहमदाबाद का रहने वाला है, ये एम्प्लॉयमेंट करने के लिए अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा था। इसने वहाँ पूछताछ की तो इसको पता चला जो इसका प्रोफाइल है इसको शायद वीज़ा नहीं मिलेगा, तो इसने एक एजेंट जिसका नाम भरत था उसको कॉन्टैक्ट किया। भरत वहीं अहमदाबाद के एजेंट, भरत ये जो बता रहा है इसको वहीं अहमदाबाद में किसी दुकान पे मिला था। वहाँ पर जो है भरत ने कहा कि इसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा और इसको अमेरिका भिजवा देगा। भरत ने एक उसका एसोसिएट है सिद्धू जो दिल्ली में रहता है उससे कॉन्टैक्ट किया। सिद्धू ने जयेश पटेल को दिल्ली बुलाया, एक होटल में इसको रुकवाकर मेकअप आर्टिस्ट को बुलवाकर इसका हुलिया को बदल दिया। इसको सबसे पहले इसकी दाढ़ी उगवाई, दाढ़ी का रंग सफ़ेद किया, बालों का रंग सफ़ेद किया और इसको मोटा सा चश्मा पहनाया और एक पगड़ी पहनाकर इसको 81 साल का बूढ़ा बना दिया और इसकी फोटोग्राफ वैसी करवाकर इसका पासपोर्ट भी एक नकली एड्रेस पर बनवा दिया। सर ये पासपोर्ट भी एक तरह से कहा जाए इसे फेक बनवाया? बिल्कुल, इसका जो पासपोर्ट है उसका एड्रेस गलत है, उसका नाम गलत है, लेकिन फोटो एक 81 साल के बुजुर्ग की है जो इसने फर्जी हुलिया बनवाकर खिंचवाई हुई है। मतलब सपना पूरा करने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया था, लेकिन अफसोस प्लान काम नहीं आया। पहुंचना था न्यूयॉर्क और पहुंच गए जेल। अरे कहा जाता था कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं मारते, पाकिस्तान के लिए तो मैं कहूंगा जिनके घर शीशे के होते हैं ना बत्ती जला के कपड़े नहीं बदलते हैं। पूरी तरह से बेशरम हो गए हैं ये लोग अंजना जी। और मेरे हाथ में क्या है मैं आपको दिखाता हूं, सारे दर्शकों को देखना चाहिए, ये UNHCR की 2017 की रिपोर्ट है किस तरह से पाकिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशन होता है। इसका पृष्ठ 22, इसलिए कि ऑथेंटिक बात करें अल्ताफ राजा की तरह नहीं, इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का कहता है कि वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं उनके हकों का, उनके जो मूल हक है उसका पूरी तरह से हनन होता है और उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। पेज 25 में कहा जाता है कि जो माइनॉरिटीज है खासकर हिंदू बच्चियां और क्रिश्चियन बच्चियां उनका जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। भरत आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए, सरकार है अपनी बारी का इंतजार कीजिए। पूरी तरह से पालतू को ये नहीं पता, मैं जानता हूँ कि आपके कपड़े धीरे धीरे उतर रहे हैं, आपको शर्म महसूस हो रही है, होनी चाहिए। और मैं एक लाइन पढ़ रहा हूँ, पढ़िया सुनिए मेरी बात। ये कह रही है ह्यूमन राइट की रिपोर्ट UN की, आप जो चिल्ला रहे थे ना, स्टेट अथॉरिटीज हैव रिपोर्टेडली टेकन इनएडिक्वेट एक्शन टू प्रोटेक्ट हिंदू एंड क्रिश्चियन वुमेन एंड गर्ल्स फ्रॉम फोर्स्ड कन्वर्जन टू इस्लाम एंड फोर्स्ड मैरिजेस। ये रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान के बारे में। तीसरा, इनके जो स्कूल हैं आप सोचिए कैसे जहर ये बसाते हैं बच्चों के दिमाग में, उसमें जो बाकी धर्म है खासकर हिंदू धर्म और इस्लाम क्रिश्चियन उसके बारे में क्या आपत्तिजनक टिप्पणियां होती हैं, भगवान के लिए आपत्तिजनक शब्द होते हैं, ये रिपोर्ट कहती है। तो आप एक इस्लामिक देश है, देश है, ठीक है। मैं आ रही समझिए, एक सेकंड, एक तो उमर अल्ताफ आवाज नीचे कीजिए, उमर अल्ताफ प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए, हर कोई अपनी बारी में बोल रहा है, एक साथ मत बोलिए, दो लोग बोलते हैं आवाज नहीं जाती है, ये तो बेसिक है, इतना तो वहां भी साइंस में पढ़ाते होंगे। जीडी बख्शी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक के बाद एक मुंह की खाने के बाद आज जब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी जाकर ये तमाम बातें कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फिर भी नाक घुसाएंगे, वहां के फॉर्मर MLA आके अब इमरान खान का सच बता रहे हैं, वहां की फौज का सच बता रहे हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं उसका सच बता रहे हैं, तब इन सबको बहुत परेशानी हो रही है। बख्शी साहब, शायद हो सकता है पाकिस्तानी चैनल, देखिए मैं कहना चाहता हूं हिपोक्रेसी इज द वर्स्ट सिन। पाकिस्तान एक मुल्क है जिसने अपने आबादी के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ F-16 फाइटर बॉम्बर्स, टैंक्स, तोपें, बुलडोजर, मोर्टर्स,
सबका इस्तेमाल किया है, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पश्तून ख्वा हो, इन्होंने कत्ल गारत किया है, खून के नदियां बहाई हैं। इन्हीं के जनरल टिक्का खान बुचर ऑफ बांग्लादेश और फिर बुचर ऑफ बलूचिस्तान के नाम से मशहूर हुए थे। हमदुर रहमान कमेटी, जो कि पाकिस्तान के जज ने जो रिपोर्ट लिखी थी उसके मुताबिक इन्होंने बांग्लादेश में 3 बिलियन बांग्लादेशियों का कत्ल किया, इन्होंने 1 बिलियन बांग्लादेशी औरतों की असमत लूटी, इज्जत लूटी, इन्होंने 10 मिलियन जो वहां के लोग थे उनको शरणार्थी बना के धकेल दिया इंडिया के अंदर। ये लोग हमको पाठ पढ़ा रहे हैं ह्यूमन राइट्स का। अभी आप और कुछ सुनना चाहती हैं, जरा पूछिए इनके शियाओं को क्या हुआ, जरा पूछिए इनके गिलगित बल्टिस्तान के लोगों का क्या हाल किया, अहमदियों का क्या हाल किया है इन्होंने, वहाँ के सिंधी, वहाँ के मुहाजिर क्या हाल किया है इन्होंने, ये किस खागे बिल्ली मान के चल रही हूँ, बदतमीज वाहियात मेजर जनरल बख्शी बोल रहे हैं, मैं मान के चलती हूँ कि बेसिक साइंस आपने पढ़ी होगी, ह्यूमन राइट्स का पाठ बेसिक साइंस आपने पढ़ी होगी, दो लोग एक साथ बोलते हैं तो सुनने में मुश्किल होती है, अगर इतना पढ़ाई कराते हैं पाकिस्तान में तो थोड़ा शांत रहिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। मानवाधिकारों का जो ये हो हल्ला मचा रहे हैं आपका सिर सबके सामने है, चीखने से नहीं छिपे, रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर उमर अल्ताफ प्लीज। बलदेव सिंह जी आज पूरा देश आपको सुनना चाह रहा है, मेरी जमीर की आवाज, मेरी जमीर की आवाज निकल रही है जी, बोलिए बलदेव जी, मेरी जमीर की आवाज निकल रही है, अगर मुझे अगर हिंदुस्तान हुकूमत इस्तेमाल करती ना तो मेरी कल भी पाकिस्तान बात हुई है, मैं उनको कहता कि यार इस तरह मसला हो रहा है, मैं अपने बाबा नानक की कसम उठा के कह सकता हूँ कि मुझे किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, मेरी जमीर की आवाज निकली है, जो हकीकत है मैंने हकीकत बोली है, और खान साहब ने जो झूठे वादे किए थे वो सारे झूठे के झूठे हैं, मैं उसी वजह से बोल रहा हूँ, वरना धरती माँ, मैं पाकिस्तान में मेरा जन्म हुआ है, मैं अगर मर भी जाऊं ना तो पाकिस्तान मेरी जन्म माँ है और माँ के साथ मैं ज्यादती कर रहा हूँ, मगर खान साहब ये सिर्फ इसके गुनाहगार आप ही हैं। थैंक यू, वेलकम पाकिस्तान। ठीक है बलदेव सिंह जी, रहिए आप हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं तो आपसे जरा पाकिस्तान की फौज का सच भी सुनेंगे, लेकिन इसी के साथ ये बताते हुए कि जमीर की आप दुहाई दे रहे थे, लेकिन जमीर जैसे शब्द पाकिस्तान के शब्दकोश में है ही नहीं। अरे कहा जाता था कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं मारते, पाकिस्तान के लिए तो मैं कहूंगा जिनके घर शीशे के होते हैं ना बत्ती जला के कपड़े नहीं बदलते हैं, पूरी तरह से बेशरम हो गए हैं ये लोग अंजना जी। और मेरे हाथ में क्या है मैं आपको दिखाता हूं, सारे दर्शकों को देखना चाहिए, ये UNHCR की 2017 की रिपोर्ट है किस तरह से पाकिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, इसका पृष्ठ 22, इसलिए कि ऑथेंटिक बात करें अल्ताफ राजा की तरह नहीं, इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का कहता है कि वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं उनके हकों का, उनके जो मूल हक है उसका पूरी तरह से हनन होता है और उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। पेज 25 में कहा जाता है कि जो माइनॉरिटीज है खासकर हिंदू बच्चियां और क्रिश्चियन बच्चियां उनका जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए, सरकार है अपनी बारी का इंतजार कीजिए, पूरी तरह से पालतू को ये नहीं पता, मैं जानता हूँ कि आपके कपड़े धीरे धीरे उतर रहे हैं, आपको शर्म महसूस हो रही है, होनी चाहिए। और मैं एक लाइन पढ़ रहा हूँ, पढ़िए सुनिए मेरी बात, ये कह रही है ह्यूमन राइट की रिपोर्ट यूएन की, आप जो चिल्ला रहे थे ना, स्टेट अथॉरिटीज हैव रिपोर्टेडली टेकन इनएडिक्वेट एक्शन टू प्रोटेक्ट हिंदू एंड क्रिश्चियन वुमेन एंड गर्ल्स फ्रॉम फोर्स्ड कन्वर्जन टू इस्लाम एंड फोर्स्ड मैरिजेस, ये रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान के बारे में। तीसरा, इनके जो स्कूल हैं, आप सोचिए कैसे जहर ये बसाते हैं बच्चों के दिमाग में, उसमें जो बाकी धर्म है खासकर हिंदू धर्म और इस्लाम क्रिश्चियन, उसके बारे में क्या आपत्तिजनक टिप्पणियां होती हैं, भगवान के लिए आपत्तिजनक शब्द होते हैं, ये रिपोर्ट कहती है। तो आप इस्लामिक देश है, देश है, ठीक है मैं समझिए, एक से एक तो उमर अल्ताफ आवाज नीचे कीजिए, उमर अल्ताफ प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए, हर कोई अपनी बारी में बोल रहा है, एक साथ मत बोलिए, दो लोग बोलते हैं आवाज नहीं जाती है, ये तो बेसिक है, इतना तो वहां भी साइंस में पढ़ाते होंगे। जीडी बख्शी साहब,
मेरा सवाल आपसे यह है कि एक के बाद एक मुंह की खाने के बाद आज जब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी जाकर ये तमाम बातें कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फिर भी नाक घुसाएंगे, वहां के फॉर्मर एमएलए आके अब इमरान खान का सच बता रहे हैं, वहां की फौज का सच बता रहे हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं उसका सच बता रहे हैं, तब इन सबको बहुत परेशानी हो रही है। बख्शी साहब,